सब्सक्राइब करें हमारा चैनल विक्रम आर्ट किचन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं विक्रम बटरफ्लाई वॉल हैंगिंग। और इसे बनाने के लिए हमको चाहिए येलो कलर की कोड, ब्लू कलर की कोड, ऑरेंज कलर की कोड, पिंक कलर की कोड, ग्रीन कलर की कोड एंड 1 स्क्वायर शेप की रिंग 8 इंच के साथ में बीट्स, जिसमें हम काटा बीट्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है 1 येलो कलर की कोड, इसकी साइज़ है 1.5 मीटर, और ये 1.5 मीटर की एक पीली कलर की कोड लेंगे, इसे कुछ इस तरीके से रखेंगे। अब ये जो कोड हमने जो ऐसे मोड़ कर रखी है उसी के, अब ये जो एक्स्ट्रा ही कोड हमने रखी है इसी के ऊपर से हम एक्स्ट्रा की और बाकी की कोड अटैच करेंगे, जिसमें हम 2 येलो एंड 1 ब्लू कलर की कोड अटैच करेंगे, जिसकी साइज़ रहेंगे 1.5 मीटर। 1.5 मीटर की साइज़ रहेंगी इनकी, तो 1.5 मीटर के करीब की साइज़ है 2 पीली और 1 नीली कोड, कुछ इस तरीके से अटैच करना है। तो देखिए इसके 2 साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड है। तो पहले हमने जिस तरीके से अभी पहले लेफ्ट हैंड साइड में अटैच करा, फिर उसी कोड को लेकर राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड की तरफ इसे अटैच करा। अटैच करने के लिए जो है हमने कोड को 2 बार निकाला है, ये जो पहली वाली एक्स्ट्रा कोड हमने रखी थी उसके ऊपर से 2 बार निकालेंगे, तब जाकर जो है इस तरीके से अटैच होंगी। अब हम अटैच कर रहे हैं ये ब्लू कलर की कोड, तो 1 ब्लू कलर की कोड सेंटर में अटैच करेंगे, और इसे भी देखिए पहली बार निकाला फिर दूसरी बार, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। अब वही कोड को ले जाएंगे, ब्लू कलर की कोड को नीचे रखेंगे, येलो वाली जो कोड है राइट हैंड साइड की इसको रखेंगे इसके ऊपर, फिर वैसे ही 1 फर्स्ट और सेकेंड मतलब 2 बार निकालेंगे और ये कोड को अटैच कर देंगे। अब जो है हम थर्ड वाली कोड को भी कुछ इसी तरीके से अटैच कर देंगे। अब जो हमने ये येलो वाली कोड अटैच करी थी राइट हैंड साइड की तरफ से, उसे हम निकालेंगे पहले ऊपर से, वही की वही घुमाएंगे कोड को, पहले ऊपर से निकाला फिर नीचे से निकाला। अब देखिए फिर से हम जो इसे ऊपर से निकालेंगे और फिर सेकंड टाइम में नीचे से निकालेंगे, तो ऊपर से और नीचे से निकालने पर एक नोट बनती है। अभी फिलहाल हमने 2 नोट जो है वो इसमें बना दी है, फिर से दोबारा वही 3री नोट और फिर 4थी नोट इसे बना लेंगे ऊपर और नीचे से निकाल कर। तो देखिए यहाँ पर हमको कम से कम 7 to 8 times जो है ये नोट को बना देना है, और जिस तरीके से अभी हमने ये नोट को बनाया है वैसे ही सेम टू सेम हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी सेम यही नोट को बना देंगे। तो देखिए जो हमने ये नोट
बनाई थी उसी को ही हम ऐसे करते हुए मोड़ देंगे, ऐसा हाफ राउंड शेप जो है उसका ऐसा बन जाएगा, और ऐसे मोड़ने के बाद फिर उससे हम अटैच कर देंगे। तो ब्लू वाली कोट का कलर हमको चाहिए, जिस भी कलर की कोट हमको चाहिए रहती है उस कलर की कोट को हमेशा नीचे रखा जाता है, फिर उससे धोपा निकाला जाता है। तो अभी हमको ब्लू कलर की कोट का जो ये कलर है वो चाहिए, इसलिए हम उसे रखेंगे नीचे और येलो वाली कोट का रखेंगे ऊपर। फिर ये जो ब्लू वाली कोट, इसे हम येलो वाली कोट के ऊपर से घुमाएंगे दो बार, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, तब जाकर देखिए ये ब्लू कलर की जो कलर है वो इसमें आया है। और फिर आगे की तरफ बढ़ाकर फिर से एक और येलो वाली कोट लेकर उससे भी दो बार निकाल लेंगे। तो इसे बोलते हैं हम पाइपिंग बनाने का तरीका। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से पाइपिंग बनाई जाती है। अब सेम यही तरीका जो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी यूज़ करके वहाँ पर भी ऐसे ही सेम डिज़ाइन को बना देंगे। तो देखिए ये दो तरफ से ऐसे राउंड शेप में नोट वाले जो है वो डिज़ाइन को हमने ऐसे घुमा दिया दोनों ही साइड से। अब नीचे की तरफ बस हमको कंटिन्यूसली पाइपिंग जो है वो बनाते जाना है। पाइपिंग जो बनाने का तरीका है मैंने आपको भी बताया था, बस वही तरीका यूज़ करते हुए यहाँ पर हम पाइपिंग को बनाते जाएंगे। तो बस रखना है जो सबसे बीच वाली सेंटर वाली कोट है राइट हैंड साइड की तरफ की, उससे रखेंगे बाकी के सभी कोट के ऊपर। फिर नीचे से एक कोट को देंगे और ये जो ऊपर वाली कोट है उसके ऊपर से घुमाएंगे दो बार, ऐसे करते दो दो बार घुमाते जाएंगे हम। और ये जो पाइपिंग के जो डिज़ाइन है वो हम इसमें ऐसे करते हुए बना देंगे। अब जो है बस हमको सेंटर से ही जो है सभी कोट को वन बाय वन करते हुए उठाते जाना है, इसकी पाइपिंग बनाना है सेंटर से राइट हैंड साइड की तरफ। और यही जो सेम डिज़ाइन है वो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी बना देंगे पाइपिंग की। तो बस देखिए अभी हमने फर्स्ट टाइम की पाइपिंग बना दी है, अब सेकंड थर्ड करते हुए सेम बीच में से ही कोट को उठाएंगे फिर उसे ऊपर रख कर उसकी पाइपिंग को बनाएंगे।
मैथ्री के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चार लाइन जो है वो हमने पाइपिंग की बना दी है। फोर लाइन पाइपिंग की हमारी बन चुकी है। अब हम बनाएंगे आठ नोट्स, तो हम यहाँ पर एट नोट्स जो है वो बनाएंगे। और इसे बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, दो कोड लेंगे जो कि ऊपर की आप देख सकते हैं, ये दो वाली कोड है। इन दो कोड को ही हम घुमाते जाएंगे। तो देखिए ऊपर से घुमाएंगे, फिर नीचे से घुमाएंगे, फिर ऊपर से घुमाएंगे, फिर नीचे से, ऊपर से और नीचे से दो बार ऐसे करने पर एक नोट बनती है। और ऐसे कंटिन्यूसली करते जाएंगे और आठ नोट्स जो है वो हम इसमें बना देंगे। तो देखिए येलो कोड पर हमने ये एट नोट्स को बना दिया है। अब दूसरे साइड में आप देखिए येलो वाली और एक ब्लू वाली कोड है, इसे हम घुमाते जाएंगे और टोटल जो है जैसे वैसे घुमाएंगे ऊपर और नीचे से करते हुए, और टोटल 10 नोट्स जो है वो बना देंगे। 10 नोट्स हमको बनाना है, पहले हमने 8 बनाए, अभी 10 बनाएंगे। पहले 8 थे तो अभी 10 नोट्स जो है वो हम बना देंगे। अब दूसरे साइड में भी सेम वैसे डिज़ाइन को बनाएंगे, जहाँ पर ब्लू वाली कोड है वहाँ पर 10 नोट्स, और जहाँ पर दोनों ही येलो वाली कलर की कोड है वहाँ पर 8 नोट्स। तो 8 और 10 नोट्स जो है वो करीब हमको इसमें बनाना है। तो अच्छे तरीके से हम ये नोट्स को बना देंगे। देखिए अब हम जो है दोनों साइड के डिज़ाइन को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये जो येलो कलर की जहाँ पर हमने 8 नोट्स दोनों साइड में बनाई थी उसको हम लेंगे, और जो सेंटर की दो कोड है उसको लेंगे, और जैसे सिंपल बेसिक नोट बनाते हैं बस वैसे ही बना देंगे। राइट हैंड साइड वाली कोड को निकालेंगे लेफ्ट से, और लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड को निकालेंगे राइट हैंड साइड से, और जो सेंटर की दो कोड है उसे ऐसे ही रहने देंगे, उसे कहीं से भी नहीं निकालेंगे। दो बार ऐसे करेंगे तब जाकर जो है एक सिंपल बेसिक नोट इसमें बन पाएंगे। तो एक नोट हमने बना दी। अब जो हमने जो जिसके हेल्प से जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड में से इसे मूव करा था, मतलब घुमाया था, उस दोनों ही कोड को ऊपर की तरफ कर देंगे, मतलब अभी नहीं लेंगे उनको, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखिए जो बाकी के बच्चे भी कोड थे उसके भी हमने सेम वही सिंपल बेसिक नोट को बना दिया, और अभी जो है सेंटर की तरफ दो सिंपल बेसिक नोट जो है वो बन चुके हैं, जिससे दोनों ही साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डिज़ाइन आपस में ज्वाइन हो चुकी है। अब देखिए जो ब्लू कलर की डिज़ाइन है उसको भी आपस में ज्वाइन करने के लिए हम बस वही सिंपल बेसिक नोट की जो डिज़ाइन है उसको ही बना देंगे। और अब जो ये येलो वाली सिंपल बेस कोड बन जाने के बाद फिर ब्लू कलर की जो कोड है उसके बेस पर एक और फिर ब्लू कलर की कोड के से वही सिंपल बेस कोड के डिज़ाइन को एक और बना देंगे। इससे जो है ये वाले पीछे की तरफ, मतलब इसे ऐसे घुमा देंगे, ये आगे की तरफ है तो इसे पीछे की तरफ ऐसे घुमा देंगे, और दोनों ही साइड में पीछे की तरफ हमको उसमें घुमाना है कोड को। फिर इसे जो है हम कट करके लाइट के से पीछे की तरफ स्टिक कर देंगे कोड्स को। बस जो सेंटर की दो कोड रहेंगे जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में जो कोड को यूज़ करा था इसे गोल शेप में जो कोड मुड़ी हुई है उस कोड को छोड़ के बाकी की सभी कोड को हम कट करके स्टिक करेंगे।
देखिए ये वाली कोट को हमने कट नहीं करा है, इसे सेंटर से जो है कट कर देंगे, और कट करने के बाद वहीं की वहीं ऐसे घुमा देंगे ऊपर की साइड की तरफ से। तो ऊपर की तरफ से हमको वहीं की वहीं से घुमा देना है। और आप चाहे तो लाइटिंग से हल्का सा मतलब स्टिक कर सकते वहीं के वहीं, ताकि कोई भी जिसका थ्रेड है वो निकले ना। तो बस हल्का सा बस लाइट आप इसमें ऐसे ऊपर की तरफ फेर सकते। तो ये हमने जो है एक बटरफ्लाई बना दी है। अब सेम टू सेम ऐसे करते हुए हम बाकी की 3 बटरफ्लाई भी बना देंगे, जिसमें ऑरेंज पिंक ग्रीन कलर के बटरफ्लाई हम बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी 4 बटरफ्लाई अभी बन गई है। अब हम इसे रिंग में अटैच करेंगे, और रिंग में अटैच करने के लिए हमने ली है 8 इंच की एक स्क्वायर शेप की रिंग ली है, जिसमें 4 कोने रहते हैं वो वाली रिंग। और अब हम अटैच करेंगे 4 मीटर की येलो वाली कलर की कोड को। तो हम यहाँ पर लेंगे 4 मीटर की पीली कलर की कोड 8 इंच की 4 कोने वाली रिंग में, ऐसे स्क्वायर शेप की रिंग में। और देखिए अभी हमने एक पिंक कलर की बटरफ्लाई ली है, और ये जो येलो वाली कोड हमने अभी अटैच करी है 4 मीटर की, उसको हम निकालेंगे ऊपर के साइड से जहाँ पर येलो कलर की डिज़ाइन बनी है वहीं से हमको इसे निकालना है। और वहीं से ही निकाल कर हम इसे पीछे की तरफ जो है घुमा देंगे, और पीछे की तरफ जो है फिर से वही वाली कोट को निकाल कर दूसरे साइड से, अब देखिए राइट हैंड साइड से हमने निकाला, अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से भी वही कोट को घुमाकर ऐसे निकाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से जो है हमको कोट को पहले लेफ्ट से निकालना है, फिर राइट से निकालना है, और फिर हम अब जो है एक ही कोट में हमने जो 4 मीटर की कोट अटैच करी है वो दोनों साइड में आएंगे, मतलब ऐसे फोल्ड करके अटैच करी थी, जिससे दोनों साइड इसके एक लेफ्ट और राइट हैंड साइड है। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही जो साइड रहेंगे वहीं पर ही एक मटका बीट्स को अटैच करेंगे, और फिर रिंग में से ये देखिए फर्स्ट टाइम फिर इसे ही निकालेंगे नीचे से, पहले ऊपर से निकालेंगे फिर नीचे से निकालेंगे, और सेकंड टाइम ये देखिए फर्स्ट टाइम पहली बार और दूसरी बार ऊपर और नीचे से निकालेंगे, फिर वही सेम टू सेम मटका बीट्स को लेंगे, फिर वही नोट को बनाएंगे। और यहाँ पर जो है हम कलरफुल मटका बीट्स लेंगे, कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर कलर नहीं लेंगे हम, यहाँ पर सब मिक्स कलर लेंगे ताकि और भी अट्रैक्टिव दिखे और कलरफुल डिज़ाइन दिखे। तो बस इसके एक ही साइड की कोट देखिए चलते जा रही है, एक ही कोट जो है वही मूवमेंट में होंगे, मतलब उसी को ही हमको मारते जाएंगे, और ये कलरफुल मटका बीट्स जो है वो हमने अटैच कर दिए ऊपर की तरफ से। अब ये पूरी एक साइड जो है फील हो जाने के बाद अब हमको दूसरी वाली जो बटरफ्लाई 4 कोने में अटैच करनी है, और साथ में जहाँ पर ये जो गेप बचेगा सेंटर की तरफ वहाँ पर हमको ऐसे मटका बीट्स जो है अटैच करना है। तो बस देखिए जहाँ पर ये बटरफ्लाई आ रही है उसके पीछे से, जैसे मैं पीछे की तरफ से जो है दोनों वहाँ पर भी हम सेम वही डिज़ाइन को बना रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 4 मीटर की जो कोट हमने अटैच करी है उसकी 2 साइड है, एक साइड आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने अभी फील कर दिया सभी मटका बीट्स को, अब दूसरी साइड में भी हम फील कर रहे हैं वही मटका बीट्स को, नोट को बना रहे हैं। तो इस तरीके से वो दोनों ही कोट जो है ऐसे साइड में हो चुकी है, एक इस साइड जा रही है और एक दूसरे साइड जा रही है। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर बटरफ्लाई है वहाँ पर आप चाहे कभी आपके पास बीट्स कम है तो इस तरीके से आप नॉर्मली बिना बीट्स के ये डिज़ाइन को बना सकते हैं, और जैसे बटरफ्लाई का जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद आप बीट्स को अटैच कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो थोड़े बीट्स हैं वो बच जाएंगे, या फिर आप कंटिन्यू कर सकते वही पूरे की तरह, मतलब पूरे जो बटरफ्लाई के पीछे भी आप बीट्स को भी अटैच कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली ऐसे थोड़े से बीट्स बचाने के लिए आप ये सिंपली नोट को बनाकर, और फिर उसके बाद जहाँ पर गेप बचेगा जहाँ से मेरे पूरे डिज़ाइन दिखेंगे वहाँ पर आप मटका बीट्स अटैच कर सकते हैं। Thank you.
अब देखिए, अब हम ये सभी में ऐसे चारों कोने में ही ये सभी बटरफ्लाई को ऐसे अटैच कर देंगे। ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं ये सभी ऐसे 1 2 3 4, और साथ में बीच में जो जहाँ पर ये गेप दिखे हैं वहाँ पर ये मटका बीट सिर्फ वहाँ पर अटैच करने। तो पूरी रिंग जो है वो कलरफुल मटका बीट से हम फील करेंगे, और साथ में चारों जो कोने हैं स्क्वायर शेप के हमने रिंग ली है जहाँ पर हमने 4 बटरफ्लाई बनाई है। सभी कोने में, हर एक एक कोने में हमने एक एक बटरफ्लाई को रखा है, और इस तरीके से हमारी जो मेकरम बटरफ्लाई वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। कलरफुल डिज़ाइन है जिसमें हमने कलरफुल मटका और जो ये बटरफ्लाई है उसे भी हमने कलरफुल बनाने की इसमें कोशिश करी है। तो बस येलो कलर के जो कॉम्बिनेशन है वो चारों ही बटरफ्लाई में हमने यूज़ करा है यहाँ पर, और आप इसे ईजीली बना सकते हैं क्योंकि इसमें जो है मेकरम भी आपको कम यूज़ होगा। कभी आपके पास वेस्ट मेकरम है, कोई भी वेस्ट मेकरम बचा हुआ होगा तो वो उसे भी आप यूज़ करके ये बटरफ्लाई को बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में, ईजिली कम मेकरम में ये जो बटरफ्लाई है वो बन जाएंगी, और बहुत ही बेसिक डिज़ाइन है, इसमें कोई हार्ड डिज़ाइन हमने इसमें कोई भी यूज़ नहीं करी है। ईजिली जल्दी आप इसे बना ले सकते हैं, तो इसे ज़रूर बनाइए और अपने घर को डेकोरेट करिए इस ब्यूटीफुल से कलरफुल मेकरम बटरफ्लाई वो रहेंगे इसे। और साथ में कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और साथ में हमारे चैनल मेकरम आर्ट किचन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।